हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि आँख कैसे बनाते हैं। तो जो आँख में सबसे पहले देखने वाली चीज़ होती है वो होती है आँख की पुतली। उसमें सबसे पहले जो डार्क वाला पोर्शन होता है वो एकदम डार्क होता है, फिर साइड में आप देखोगे तो एक हल्का सा हॉट स्पॉट होता है जिसमें क्या कहते हैं वो कुछ भी आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि हॉट स्पॉट कहाँ पर हो। वहाँ पर एकदम सफ़ेद होता है, तो वहाँ पर हमें एकदम ब्राइट रखना होता है। और बीच वाला पोर्शन हमेशा डार्क होता है। जब आप वीडियो को आगे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे आसान तरीका है आँख की आउटलाइन बनाने का है, वो सबसे पहले आप एक सिंपल सी लाइन खींचे, फिर उसके बाद आप वीडियो में दिखाए गए तरीके से दो टेढ़ी लाइनें खींचे, फिर जैसे इसके बाद उन दो लाइनों के बीच में ही आप आँख बनाए उस लाइन बीच वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए। तो जैसे कोई सी भी पिक्चर लेके उसमें से ऑब्जर्व करके आप आउटलाइन बना सकते हैं इस तरीके से जो वीडियो में दिखाया जाए। आउटलाइन बनने के बाद आपको एक्स्ट्रा लाइनें मिटा देनी है, फिर शेडिंग स्टार्ट करनी है। आपको सबसे पहले मैकेनिकल पेंसिल से ही शेडिंग करनी है। ये बीच वाला डार्क पार्ट एकदम हमेशा डार्क ही होता है, आप कोई सी भी आँख को देख सकते हैं। फिर ऊपर से आती हुई शेडो के हिसाब से आपको ऊपर वाला हिस्सा एकदम डार्क करना है आँख की पुतली का। आज जैसे वीडियो देख सकते हो मैंने ये पुतली के एकदम एजो पे एकदम डार्क के रखा, बीच बीच हल्का क्योंकि यहाँ पर डार्क होता है, बीच में क्योंकि लाइट पड़ती है ना, तो इसीलिए। और वहाँ साइड में आप देख सकते हो मैंने छोटा सा हॉट स्पॉट भी बनाया है क्योंकि वहाँ पे लाइट एकदम वही रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, तो इसलिए मैंने वो एकदम पूरा छेद छोड़ दिया है। और ये आँख के ये बीच वाले पूरा सफ़ेद नहीं होता, इवन इसमें भी थोड़ी बहुत सी शेडो के कारण शेडिंग वेडिंग करनी पड़ती है। फिर आपको मोनो इरेजर लेके वो थोड़ा सा मिटा देना है क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लाइट दिखानी है। और एज को 4B या 2B पेंसिल से थोड़ा सा और डार्क कर ले क्योंकि यहाँ पर क्योंकि एज पर हमेशा डार्क होता है ताकि थोड़ा सा पुतली हमें हियर लगे। और ऊपर ऊपर से शेडो के कारण वहाँ से भी थोड़ा सा डार्क कर देना। और ये मेरी 8B की पेंसिल है जिससे मैंने आँख की पुतली को एकदम डार्क कर दिया है। और जहाँ जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पर समझाने की जरूरत है तो मैं वहाँ पर समझा दूँगा। अब आप देख भी सकते हो कि आँख थोड़ी बहुत सी हियर भी लगने लग गई है अभी से ही, पर अभी भी बहुत कुछ थोड़ी बहुत सी शेडिंग बाकी है, फिर उसके बाद हमारी आँख कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मेरी 8B की पेंसिल है जिससे मैं इस लाइन को इधर डार्क करूँ। और आपको सेटिंग नीचे की तरफ करनी है ताकि वो थोड़ा सा लगे कि हाँ लाइट ऊपर से और नीचे थोड़ी सी शेडो बनी है, और नीचे भी हल्की फुल्की सी शेडिंग कर लेनी और परछाई नीचे की तरफ जाइए ऐसा दिखाना है, और फिर ब्लेंड कर देना है पूरी तरह से। और ये जो आँखों के साइड में है इसको भी डार्क पेंसिल से वो शेडिंग कर देनी है। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं ये लाइन क्यों बनाया हूँ, अगर नहीं सजा तो ऊपर तस्वीर दे रखी है। और फिर उसके बाद मैंने 8B की पेंसिल से आई लैशेस बना दिए हैं। मैंने आप देख सकते हो कि मैंने किस डायरेक्शन बनाया, मैंने ऊपर वाले ज़्यादा ही ऊंचे बनाए हैं। और फिर उसके बाद मैंने मैकेनिकल पेंसिल से आँखों के पीछे जो लाइन है वो होती है जैसे फोटोग्राफ में दिखाई दिया मैं वैसे बनाया हूँ। और ये हॉट स्पॉट में भी थोड़ी सी आई की पलके मैंने वो बना दी है। और आप देख ही सकते हो कि मैं किस तरह से अब आईब्रो बनाया हूँ, जिस तरह से है जिस तरफ है मैं उसी डायरेक्शन में ये आईब्रो के बाल बनाया हूँ। अब हमारी आँख कंप्लीट हो गई है।